हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन, जैसे कि आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पोयम की थी गुड मॉर्निंग, याद है ना? ओके, मैम ने आपको रिकैप दिया था उसका, पोयम्स की वीडियोस दिखाए थे। ओके, तब मैम ने आपको क्या कहा था कि सिर्फ आपको उसको सुनना है और देखना है, लेकिन आज मैम आपको वही पोयम फिर से मैं इस वीडियो में करा रही हूँ। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले टेक अ बुक एंड अ नोटबुक, टेक अ नोटबुक एंड अ पेंसिल विद यू, ओके, एंड देन से इस वीडियो, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलूंगी जो कि आपको नोट डाउन करने होंगे, तो आपको बुक और पेंसिल लेना पड़ेगा। उससे पहले हम पहले फिर से एक बार एक पोयम रीड कर रहे थे। पोयम रीड करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टॉप करके वन टाइम में पूरी पोयम है वो आपके नोटबुक में लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि इसके बाद मैम कुछ क्वेश्चंस करेगी जो आपको पोयम से देखकर मैम को आंसर करना है, इसलिए आप इस वीडियो को बीच से स्टॉप करके पूरा पोयम एक बार लिख लें। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये पोयम किसके बारे में है, हमने पहले भी देखा, इट इज अबाउट अ गर्ल जो सुबह सुबह वेकअप हुई है और उसको कैसा फील हो रहा है। डू यू लाइक टू वेकअप इन द मॉर्निंग, मैम ने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि हमें सुबह उठना अच्छा लगता है। यस, जब संडे होती है तब अच्छा लगता है, बाकी अच्छा नहीं लगता है ना, राइट? यस, तो कुछ इसी तरह ये गर्ल भी है, क्योंकि आज प्ले करना है पूरा दिन, तो शी इज वेरी हैप्पी कि आज चलो उठना है, बाहर जाना है। उठ के सबसे पहले उसने अपने फ्रेंड्स को किया, अब फ्रेंड्स जरूरी नहीं है बॉय और गर्ल, राइट? एनिमल्स भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभी इनके आसपास नेबर्स नहीं होते तो वो अपने पेट्स के साथ खेलते हैं या अपने टॉयज के साथ खेलते हैं, तो वो भी उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये गर्ल है वो अपने गार्डन में जाकर अपने फ्रेंड्स को हेलो हाय करती है, तो वो क्या करती है वो इस पोयम में हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वाज डे? हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे? I am wide awake, I am up now too, I will be right back to play with you. So now इस वीडियो को आप स्टॉप करें, राइट डाउन द पोयम फर्स्ट, ओके? ओके, तो आपने लिख लिया, ओके। सो क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हम कब विश करते हैं? जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, राइट? हम हमारे पेरेंट्स को विश करते हैं, स्कूल आके मैम को विश करते हैं, हम सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो ये गर्ल भी उठ रही है सुबह सुबह और इसने किसको किसको विश किया? टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड स्टार्ट अंडरलाइनिंग इट। गुड मॉर्निंग स्काई, उसने सबसे पहले स्काई को मॉर्निंग बोला, यस स्काई सबको पता है ना, ओके। देन गुड मॉर्निंग सन, सन को बोला क्योंकि मॉर्निंग में जब तक सन नहीं आएगा तब तक मॉर्निंग होती ही नहीं है, राइट? सबको पता है ना, नाइट में हमें क्या दिखता है, मून, और सुबह हो जाती है जब मॉर्निंग होता है तो मून की जगह पे क्या आता है, सन आता है। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, जब विंडोज ओपन करते हो तो विंड आती है ना, यस, तो वो उन विंड्स को भी गुड मॉर्निंग बोल रही है। तो किसको किसको गुड मॉर्निंग बोला, स्काई सन विंड, अंडरलाइन इट विद अ पेंसिल। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज, बर्ड्स को गुड मॉर्निंग बोल रही है जो उसके गार्डन में है या फ्लाई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग ट्रीज, उसके गार्डन में आसपास जितने भी ट्रीज है उसको गुड मॉर्निंग बोल रही है। सो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है बर्ड्स और ट्रीज। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, क्रीपिंग का मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल स्मॉल ग्रास गार्डन में ग्रो हो रही है उसे हम क्रीपिंग ग्रास कहते हैं। एंड ब्राउनी बीज, बीज हम सबने देखा है ना, यस। सो ग्रास एंड बीज को अंडरलाइन करना है आपको, किया कर रहे हो ना सभी, ओके। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वाज डे, वो इन सबको पूछ रही है, स्काई को, सन को, बर्ड्स को, ट्रीज को, कि आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स है वो हमसे जल्दी अवेक होते हैं, वो जैसे ही मॉर्निंग होती है उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है वो गेट अप, वो हमारी तरह 10-11 o'clock को नहीं उठते, वो जल्दी जैसे ही मॉर्निंग हो जाती है वैसे ही वो उठ जाते हैं। तो गर्ल पूछ रही है उनको कि आपको कैसे पता चल जाता है कि मॉर्निंग हो चुकी है। Who told you night had gone away? किसने आपको कहा कि नाइट है वो चली गई है? I am wide awake. Wide awake का मतलब जागना, मैं अब उठ चुकी हूँ। I am up now too. और मैं अपने बेड से भी बाहर आ गई हूँ। I will be right out to play. और मैं अब आपके साथ खेलने के लिए आ रही हूँ। तो अब समझ में आया वो क्यों इतनी
बाहर प्ले करने जाना है। उसको किसने किस चीज को मॉर्निंग बोला तो हमने उनको अंडरलाइन किया है, स्काई, सन, बर्ड्स, ग्रास, इन सबको उसने गुड मॉर्निंग बोला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, ये पोएम सबको समझ में आई है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है जैसे क्रीपिंग, अवे, गॉन अवे। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप ये थ्री वर्ड्स लिखेंगे, न्यू वर्ड्स, और उसके मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करना है। मैम ने तो बताया ही है आपको, क्रीपिंग मीन्स स्मॉल ग्रास, यस, अवे मीन्स उठना, जल्दी से उठ जाना, गॉन अवे यानी चले जाना। लेकिन अब उसको आपको इंग्लिश में लिखना है विद द हेल्प ऑफ योर मदर, मम्मी की हेल्प लो, इसका मीनिंग फाइंड आउट करो एंड आपको मीनिंग अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट होमवर्क। ओके, समझ में आ गया सबको, पोयम लिखनी है, उसको रीड करना है, अंडरलाइन आपने किया ही होगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, जो एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, जैसे ही आप मेरा वीडियो देख लोगे वो आपको नोटबुक में से क्वेश्चन आंसर देखो नोट डाउन करने हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी, क्यों है वो हैप्पी। अभी मैम ने आपको कहा क्योंकि उसको क्या करने जाना है, शी वांट्स टू गो आउट टू प्ले, इसलिए वो हैप्पी है। हू टू हू डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग, किसको किसको गुड मॉर्निंग बोला उसने, तो ये भी मैम ने आपको अंडरलाइन करवाया है, बर्ड्स, ग्रास, राइट, एक्सेट्रा, सन, ट्रीज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स है कुछ। इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग में आप गुड मॉर्निंग बोलते हो। ओके, जब आप स्कूल आते हो गुड मॉर्निंग बोलते हो, जब आप जाते हो तो क्या बोलते हो, क्योंकि आफ्टरनून हो जाता है, दोपहर का टाइम हो जाता है ना, 12 o'clock के बाद, तो हम क्या विश करते हैं, गुड आफ्टरनून। अगर आप शाम को ट्यूशन जा रहे हो या तो वहां मैम को फिर से गुड मॉर्निंग विश करोगे, नो, क्योंकि तब क्या हो जाती है, इवनिंग हो जाती है। शाम का जो टाइम होता है वहां पे हम गुड इवनिंग विश करते हैं, फिर हम रात को सोने से पहले क्या विश करते हैं मम्मी को, गुड नाइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में ड्यूरिंग द डे हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग विश करते हैं, राइट, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। और वैसे ही यहाँ पे कुछ एनिमल्स के साउंड भी है, एनिमल्स के साउंड से भी आप बड़े फैमिलियर हो, राइट। अभी डॉग है तो आप आपके डॉग को गुड मॉर्निंग सुबह विश करते हो, लेकिन वो आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा इवनिंग टाइम, नो, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं बोलते ना। सो अलग अलग एनिमल अपने लैंग्वेज में विश करते हैं, जैसे डॉग है तो वो कैसे विश करेगा, आप गुड मॉर्निंग करोगे, लेकिन डॉग है वो क्या करेगा, बाव बाव, क्या करेगा, बाव बाव। देन काऊ क्या करे, काऊ क्या करेगी, मू, यस। सो यहाँ पे वैसे ही दिया है कि एनिमल्स कैसे विश करते हैं और ह्यूमन बींग्स कैसे विश करते हैं, यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी। नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक छोटा सा है जो आप अपनी बुक में फिर से नोट डाउन कर सकते हैं, से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आप अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो तो कैसे विश कर रहे हो, गुड मॉर्निंग करके आपके फ्रेंड का नेम बोलोगे ना, यस, पारुल है या कोई भी, आपके फ्रेंड का नेम बोलोगे आप। वैसे ही अगर टीचर को विश करना है तो क्या करते हो, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग टीचर। तो इस तरह से ये आपको लिखना है। अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो में आपको लेसन समझ में आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पीडीएफ मिलेगा, और यहाँ पे हमने हमारा जो फर्स्ट पोयम है वो कंप्लीट कर दिया है। तो दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देखें, समझे, और उसके बाद आपकी बुक में नोट डाउन करें। हम मिलेंगे आप नेक्स्ट लेसन में, टिल देन बाय, थैंक यू।